सरकार भले ही इस कड़ाके की ठंड में गरीबों और यात्रियों की सुविधाओं के लिए रैन बसेरा बनवा रही हो, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से इसका कोई भी लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरों में दिख रहे लोग रेलवे स्टेशन के बाहर इस कड़ाके की ठंड में लेटे हुए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने एकांत जगह पर रैन बसेरा बना रखा है, जबकि शहर में आने जाने वाले लोगों के लिए इसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर होना चाहिए था। हम नहीं जा पाते वहाँ पर, तो यहाँ अधिकारियों में कोई कम्बल वम्बल नहीं बांटे? सर्दियों में कैसे काम चल रहा है? नहीं, किसी ने नहीं बांटे यहाँ पर अभी तक। तो इतनी सर्दी पड़ रही है, आप खुले में लेट रहे हैं स्टेशन के पास? तो दिन काटे रहे हैं, सब का करें, कहाँ जाए। अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस कड़ाके की ठंड में यात्रियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी है। दिसंबर माह का महीना चल रहा है, देख सकते हैं कान्हा की नगरी मथुरा में जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरा नसीब भी नहीं है। इस समय हम खड़े हैं भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर गरीब असहाय लोग यहां पर भूतेश्वर पर खुले में सोने को मजबूर हैं। जो कड़ाके की सर्दी है उसका देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं खुले में जो लोग सो रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हम लोगों ने रैन बसेरा लगाया है, लेकिन जो रैन बसेरा जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया, एकांत स्थान में लगाया हुआ है, यहां से काफी दूर है, इसलिए ये लोग रैन बसेरा में नहीं गए और खुले में सोने को मजबूर हैं। प्रवीण कुमार शर्मा, ईटीवी भारत, मथुरा।